नगर निगम पानीपत में भ्रष्टाचार थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार को जन आवास सोसाइटी के प्रधान एवं पूर्व जिला पार्षद जोगेंद्र स्वामी ने अपने साथियों के साथ नगर निगम कार्यालय में भ्रष्टाचार को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि नगर निगम के उच्च अधिकारी आए दिन नए घोटालों को अंजाम दे रहे हैं। जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि जो स्ट्रीट लाइट का टेंडर निगम को दिया गया था उसमें जो स्ट्रीट लाइटें लगाई गई थी वे सभी लाइटें 3 महीने के अंदर ही दम तोड़ चुकी हैं। 80% नई स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी हैं। वहीं अब उसके साथ निम्न स्तर के बिजली वायर का टेंडर लगाकर एक और घोटाले का षड्यंत्र रचा जा रहा है। प्रधान स्वामी ने निगम कमिश्नर को ज्ञापन भी सौंपा और कहा कि मानक के अनुरूप बिजली की तारें नहीं लग रही हैं। इसके अलावा ज्ञापन में 1,90,00,000 के टेंडर को रद्द करने की मांग की गई है। जन आवास सोसाइटी के जिला अध्यक्ष जोगेंद्र स्वामी ने कहा कि जिस SR इंटरप्राइजेस को बिजली वायर का टेंडर दिया गया है वह टेंडर चीफ इंजीनियर महिपाल और SR इंटरप्राइजेस की मिली भगत के तहत शहर को लूटने की मंशा से हुआ है। प्रमाण दिखाते हुए उन्होंने कहा कि जिस समय महिपाल यमुनानगर नगर निगम में अधीक्षक अभियंता थे उन्होंने SR इंटरप्राइजेस से मिलकर बिजली के कार्य में घोटाला किया था जिसकी नगर निगम यमुनानगर और विधानसभा कमेटी में जांच चल रही है। नगर निगम यमुनानगर के सहायक अभियंता मृणल जायसवाल ने लिखित में दी शिकायत में आरोप लगाते हुए कहा था कि वह महिपाल अधीक्षक अभियंता के कक्ष में गए जहां पहले से SR इंटरप्राइजेस का ठेकेदार संजू राणा बैठा था। उसने दबाव बनाया कि वह उनके काम में दखलअंदाजी ना दे। स्वामी ने कहा कि निगम के पास ये कहने के लिए कोई प्रमाण नहीं है कि वह इस कंपनी की फीडबैक नहीं जानते थे क्योंकि ये टेंडर केवल चीफ इंजीनियर द्वारा SR इंटरप्राइजेस को लूट मचाने के लिए ही दिया गया है। उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रिक वायर सूरज कंपनी का चीफ इंजीनियर अपने अधिकारियों पर दबाव बनाकर लगाने की बातें कर रहे हैं वह HSR के मानकों पर खरा नहीं उतरता क्योंकि ये HSR में आता ही नहीं है। प्रधान ने कहा कि ये गलत कार्य मुख्य अभियंता के इशारे पर हो रहा है। इस निम्न स्तर के वायर से आने वाले समय में बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता है। उन्होंने बताया कि केवल HSR में ली गई आइटम्स को ही टेंडर में लगाया जा सकता है और जो सूरज कंपनी की वायर लगी है वे उसको लगाने के विरोध में है। फैसला है क्या फिर लूट का टेंडर है फिर दोबारा एक नगर निगम में भ्रष्टाचार के खिलाफ हम बार बार आवाज उठाते रहते हैं लेकिन जो उच्च अधिकारी हैं वो अपनी लूट खसोट से बाज नहीं आ रहे। अब ताजा एक टेंडर और लगा है इन लोगों ने जो भ्रष्ट तंत्र के तहत एक्शन से कार्यकारी अभियंता से वो चीफ की कुर्सी पर पहुंचे हैं उनके खिलाफ भी हमने प्रदर्शन किया था कि भ्रष्टाचार के तहत चीफ बने हैं जबकि ये असिस्टेंट एक्शन है। तो उनके चहेते ठेकेदार SR इंटरप्राइजेज जो संजू राणा है उन्होंने यहाँ पे ठेका लिया वायर का बिजली वायर का। तो उसमें जो टेंडर है उस टेंडर में कहीं भी उल्लेख नहीं है कि हम सूरज कंपनी की वायर लगाएंगे। सूरज कंपनी की घटिया वायर है जो HSR के मानकों में खरी नहीं उतरती। वो वायर लगा रहे हैं उसका हमें लेटर मिला। वो लेटर हमने देखा हमने HSR से जानकारी ली वहाँ पता लगा कि ये वायर तो है ही नहीं हमारी सी। कितने का टेंडर है ये 1,90,00,000 समथिंग है और जो बाद में नाश करके बढ़ाया जाएगा। और ये ठेकेदार जो चीफ है हमारे महिपाल जी उनका खास है चीफ जो वहाँ यमुनानगर में SC थे और ये जो संजू राणा की कंपनी SR इंटरप्राइजेज ये भी यमुनानगर की है इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं वहाँ पे और उसकी जांच चल रही है यमुनानगर में और विधानसभा कमेटी के अंदर भी। तो ये उजागर होता है कि ये दोनों लोग लूट में SR इंटरप्राइजेज और चीफ इंजीनियर इस लूट तंत्र में खुले रूप से लगे हुए हैं। सरकार तो इनका पहले भी कुछ नहीं बिगाड़ पाई अब भी फिर ये दूसरा टेंडर मैं सरकार बिगाड़ा न बिगाड़े लेकिन हम अपने शहर को किसी भी सूरत में लूटने नहीं देंगे। हम जागरूक करते हैं लोगों को जगाते हैं हमारा काम जागरूक करने का है। हम इसमें अपना लगे रहेंगे लोगों को जगाते रहेंगे ये हमारा प्रयास है कि इस लूट तंत्र को किस तरीके से ख़त्म किया जाए। इसमें सबसे बड़ी बात मैं बता दूं वहाँ का यमुनानगर का एक ME है मृणाल जायसवाल उसने लिखित में कंप्लेंट दी है कि मैं जो मुख्य अभियंता महिपाल हैं उसके वहाँ पे यह संजू राणा SR इंटरप्राइजेज वाला बैठा मेरे साथ बदतमीजी की इन लोगों ने मेरे ऊपर दबाव बनाया ताकि मेरे जो कार्य है उनको कार्य को पूरा करो नहीं तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। उसने लेटर उच्च अधिकारी को कमिश्नर को लिखा उसने स्पष्ट किया है ताकि मेरी जान को खतरा है और ये लोग भ्रष्टाचार के तहत अपने काम को बढ़ाना चाहते हैं जबकि मैं नहीं करना चाहता मेरे ऊपर प्रेशर बना रहे। ये लिखी चिट्ठी है यमुनानगर की
ये टेंडर है जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये सूरज कंपनी को तार है, उनको आप चेक करिए, उनको देखिए, ये रहा सूरज केबल प्राइवेट लिमिटेड, जो कि HSR के मानकों पे खरे ही नहीं उतरती। आप लोगों की क्या मांग है? हमारी मांग है टेंडर को रद्द किया जाए, उच्च क्वालिटी की तार लाई जाए, कल को ये कटेंगी वायर। अभी आपने खबर पड़ी दो दिन पहले, तार कहाँ लगनी है? ये तार खंभों पे लगेंगी, जो स्ट्रीट लाइट वगैरह, जो स्ट्रीट लाइट के लिए ये टेंडर। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6,00,000 रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक